नमस्कार, आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में मिस्टर रंजीत जी का वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिनको पिछले 2 साल से टिनाइटस की प्रॉब्लम थी। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के चलते हुए मिस्टर रंजीत अपने घर में कुछ तरीके अपना रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपने टिनाइटस में काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। आइए देखते हैं उनका पूरा वीडियो। मेरा नाम रंजीत है और मुझे भी टिनाइटस है। आज मैं अपने डेली रूटीन के बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से हम सबको समस्या है। हमारा डेली जो रूटीन है काफ़ी प्रभावित हो चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें टिनाइटस की, तो हम थेरेपी लेते थे तो थोड़ा सा नॉइजी एरिया में लेते थे, तो जो वो माहौल हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे घर में टीवी वगैरह चला देता हूँ, न्यूज़ या मूवी लगा देता हूँ, उस टाइम हम थेरेपी ले लेते हैं, जिसे थोड़ा सा नॉइजी इन्वायरमेंट मिल जाता है। और अपने आप को ज़्यादातर मैं बिजी रखता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि टिनाइटस अगर है तो हमें ज़्यादा अकेले नहीं रहना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है माइंड में, तो उसके लिए मैं अपने आप को बिजी रखने का मतलब काम करता हूँ। जैसे कि ऑफिस से मुझे भी कुछ कभी काम आ जाता है तो उसमें थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, या फिर कभी न्यूज़ देख रहा हूँ, या फिर मूवी वूवी लगा लेता हूँ अपने आप को बिजी करने के लिए। जैसे कि अगर आप योगा करना चाहते हैं तो योगा भी कर सकते हैं। मुझे भी टाइम निकाल के कभी कभी योगा कर लेता हूँ। अगर आप जैसे कि मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए कभी कभार गेम खेल लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे आप कभी भी निगेटिव मत सोचना, क्योंकि निगेटिव सोचेंगे तो इससे थोड़ा सा दिमाग में और तरह तरह की बातें आएंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर एक्सपेक्टर हमें बार बार हमारे रिव्यू के लिए कॉल करते हैं, अच्छा लगता है, हमारे फीडबैक लेते रहते हैं और गाइडलाइन देते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे फॉलो करना है। तो इससे हमारी क्या होती है कि वो उम्मीद बढ़ती है, हाँ, और हमें थोड़ा और अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो हमें गाइड करता है, और हमारा क्या है कि एक उम्मीद बनी रहती है। तो मैं थैंक्स कहूँगा डॉक्टर स्पेक्ट्रा को इतने सपोर्ट के लिए, और आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।